रोड्स आर सो बैड हियर, ऐसे तो हमें पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्या हुआ, कुछ कहना था क्या? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये केस क्यों लिया सर? जस्ट टू हेल्प अ फ्रेंड। पर सर, हमने आज तक ऐसे किसी भी केस पर काम नहीं किया है। वैसे तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्या कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं सर, आपने ही तो कहा था कि किसी भी चीज पर यकीन करने से पहले उसका पूरा सच जान लो। बस वही कर रहा हूँ। बिल्कुल, पूरा सच जानने ही तो जा रहे हैं, बस शाम होने से पहले वहां पहुंच जाएं। आइए आइए। हेलो, मेरा नाम श्याम गोरे है। मैं पुणे यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। ये अभय हैं, मेरे एक्सपेरिमेंट्स में मुझे असिस्ट करते हैं। और आप निश्चित रूप से विनायक हैं। जी हाँ, मेरे मैनेजर ने कहा था आप लोग आने वाले हैं। आपका सफ़र कैसे रहा? सफ़र ठीक रहा, बस खराब रास्ते के कारण ड्राइविंग करने में बहुत दिक्कत हुई। हाँ, मतलब रास्ते थोड़े खराब हैं। और कैसा चल रहा है आप लोग का रिजोर्ट का बिजनेस? सर, कस्टमर पहले से काफ़ी कम हो गए और ऊपर से कर्जा है काफ़ी हम पे, और यहाँ तक कि मतलब यहाँ लोगों ने काम करना भी छोड़ दिया है वो भूत की डर की वजह से। अच्छा, ये भूत किसी? चलिए पहले अंदर चल के बात करते हैं। चलिए। कौन अभय? अच्छा, तो विनायक आपने बताया नहीं कि भूत किसी खास एक जगह दिखता है। सर, वो एक कमरा है वहां पे दिखता है। तो चलिए चलते हैं भाई। नहीं सर, मतलब हम नहीं जाते उस कमरे में। घबराइए नहीं, हम सब जाएंगे। देखिए, डरने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। ठीक है? ठीक है, लेकिन हम बाहर से कमरा दिखाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए। आइए आइए। ये रूम है। चाबी? ये है। इस रूम की सफाई करवा सकते हैं क्या? सर, इस रूम में कोई आना नहीं चाहेगा। दूसरा रूम है तो मैं करवा देता था, सॉरी। अच्छा, तो आज रात को हम लोग यहीं रुकेंगे। सर, इस रूम में? जी ठीक है, मगर आपको कुछ चाहिए तो बता देगा, मैं नीचे ही हूँ। जरूर। ठीक है।
कितनी शांति है यहाँ पे, है ना? जिस चीज के लिए आए हैं बस वो हासिल हो जाए। वैसे सर, क्या भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? अगर वो कहीं हैं तो मैं उनसे मिलना जरूर चाहूंगा, नहीं सीरियसली उनकी प्रॉब्लम समझना चाहूंगा, मगर आज तक किसी भूत ने मुझ पर इतना भरोसा कभी नहीं किया। चलो नीचे पूछते हैं, किसने सुनी आवाज क्या? ठीक है सर। अरे क्या हुआ साहब? वो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ना, वो क्या है थोड़ा प्रॉब्लम है, बीच बीच में जाती रहती है। नहीं नहीं मैं उन आवाजों के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने कोई आवाज़ सुनी? नहीं, पर मैंने आपको कहा था ना, हम सबने आवाज़ें सुनी है, वो उस कमरे में से आती रहती है। क्या आप मुझे उन आवाज़ों के बारे में कुछ डिटेल्स दे सकते हैं? मैं वो चंदू है ना, वो इन आवाज़ों के बारे में जानता है, वो आपको जानकारी दे पाएगा। मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। चलिए आइए, चलिए चलिए चलिए। अरे वो देखिए, चंदू तो इधर ही है। चंदू, चंदू ये साहब है, उस रूम के बारे में तहकीकात करने आए हैं। तुम जो भी जानते हो उनको बता देना, और जितने भी लोग हैं उनसे मिला देना। ठीक है? ठीक है सर, बता देना। धन्यवाद। शुक्रिया साहब। मैं इन घटनाओं के बारे में आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उस कमरे में जाने को मत बोलिएगा, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। घबराओ मत, जो भी जानते हो सब बता दो। सर मैंने उस कमरे में कुछ आवाजें सुनी हैं, और इन्हें तभी सुना जा सकता है जब आप उस कमरे में हो। यहां पर जितने भी कस्टमर रहने आए सबने यही बताया है। ये तकरीबन एक साल पहले शुरू हुआ। यहां पे एक जोड़ा रहने के लिए आया, उन्होंने हमसे कहा कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। वो करीब 3 दिन तक कमरे में बंद रहे, ना खाने का ऑर्डर किया ना ही किसी चीज के लिए बाहर आए। तो हमने अपनी एक्स्ट्रा चाबी से उनके रूम का दरवाजा खोला और एक भयानक दृश्य देखा। लड़की के शरीर पर कई वार किए गए थे, खून चारों तरफ फैला हुआ था, उसका शरीर ठंडा और नीला पड़ गया था। वो बंदा चुपचाप कोने में बैठा रो रहा था। कुछ दिन बाद में पता चला कि उस लड़के ने ही उस लड़की को मारा था। जेल ले जाते वक्त उसने भी अपने आप को मार डाला। अच्छा, तो उसके बाद से ही तुम लोगों ने उन आवाजों को सुना? हाँ। क्या तुम मरने वाले लोगों के नाम बता सकते हो? हाँ,
उनके नाम प्रेमवदा और संचित थे। साहब, मैंने उस लड़की का भूत देखा है। वो एक गहरे डरावने साये की तरह है। जब आप उस कमरे में होंगे, आपको भी उसके होने का एहसास जरूर होगा। साहब, मुझे उस कमरे में जाने को मत बोलिएगा। मैं वहां उसे दोबारा देखना नहीं चाहता। ठीक है, शांत हो जाओ चंदू। अबे, चलो बाकी लोगों से भी बातें कर लेते हैं। ठीक है सर। लाइट आ गई। थैंक गॉड। ऐसा लगता है कि सिर्फ चंदू ने ही भूत को देखा हो, या फिर हो सकता है कि वो सिर्फ काल्पनिक बातें बना रहा हो, या ये भी हो सकता है कि एक भयानक हादसे को देखने के बाद वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा हो। पर सर, वो उन आवाजों का क्या जो हम दोनों ने सुनी थी? हाँ, उसके बारे में थोड़ी जांच और करनी पड़ेगी। मैं बहुत थक गया हूं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं सोने जा रहा हूं। गुड नाइट अभय। गुड नाइट। और हाँ, सोने से पहले याद से बत्ती बुझा देना। ओके। मुझे ढूंढ रहे हो क्या? मैं सुबह वॉक पे गया था और वहां कुछ लोगों से मैंने बातचीत की और मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला। इस चंदू की तो बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। क्या मतलब सर? अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि उसका हाव भाव कैसा है, लड़कियों जैसा। इसकी वजह से उसके परिवार वाले, उसके दोस्त और उसके सहयोगी उसका मजाक उड़ाया करते थे, और जब ये मर्डर हुआ तो उसके दिमाग में एक प्लान सूझा। उसे लगा कि वो सबको ये बताएगा कि सिर्फ उसे ही भूत दिखता है, और इसी वजह से वो सबकी नजर में स्पेशल बन गया। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते बल्कि उससे भूत की कहानियां सुनते हैं, यू नो, घोस्ट स्टोरीज। सर, पर उन आवाजों का क्या? हाँ, उसके बारे में अभी कुछ और पता लगाने की जरूरत है। जरा कर्टन खींच दो अभी।
अबे लगता है अब मैं इस भूत के रहस्य को सुलझा पाऊंगा। क्या मतलब? तुम एक काम करो, तुम विनायक और बाकी स्टाफ्स को यहाँ बुला लाओ। ठीक है। और उनसे कहना कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। ठीक है सर। सर विनायक आ गए। हाँ विनायक, क्या वो सब कुछ पता चला? हाँ, इस कमरे का ये कौन है? जी मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, हाँ तो मैं कह रहा था इस कमरे का भूत ये एसी है। मतलब? रुको मैं दिखाता हूँ। कभी कभी एसी जो है ऐसी आवाजें करता है जब सेटिंग चेंज होती है या फिर वायर एक दूसरे से रगड़ खाती है। ये देखो आई आवाज। आप बाहर जा सकते हैं क्या? जी ठीक है। विनायक तुम एक मिनट रुकना। विनायक तुम्हें चंदू के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो इस रिजोर्ट के बारे में अफवाहें फैला रहा है। इधर आ। हाँ साहब। ये देखो उसने व्हाट्सएप पे कितने सारे वीडियोस फॉरवर्ड किए हैं। ये देखो ये देखो ये देखो। अब तुम ही बताओ ये वीडियोस देखने और पढ़ने के बाद यहाँ कोई रुकना चाहेगा? नहीं ना। नहीं। अब समझ में आया कि तुम लोगों का इतना नुकसान क्यों हो रहा है? हमें ये सब खत्म करना होगा विनायक। तुम ऐसा करो कि अपने स्टाफ को बुलाकर ये खबर फैला दो कि ये केस सॉल्व हो चुका है, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। कल रात को यहाँ दो लोग ठहरे थे और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है? जरूर। ये जानकर खुशी हुई कि इस कमरे में कोई भूत ही नहीं है। अरे और चंदू के खिलाफ तो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे हो? सर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये केस सॉल्व करने की बहुत जल्दी है। अगर तुम्हें याद नहीं तो याद दिला दूं कि आज हमें एक वर्कशॉप पे जाना है और भी कितने जरूरी काम है। अब यहां टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? अबे तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूं। तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? किसी भूत भूत को तो नहीं देख लिया ना? आप अभी किससे मिले थे? वो मिस्टर तारापुर वाले, ये रिजोर्ट उन्हीं का है। और उन्होंने आपको पैसे क्यों दिए? तुम्हें क्या लगता है क्यों दिए होंगे पैसे? उन्होंने आपको पैसे इसलिए दिए होंगे ताकि आप ये घोषणा कर सको कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं है। आप इसलिए यहाँ पर आए ना, और इसमें मुझे ये कहकर शामिल किया कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। Of course, it was an experiment, अबे। सर, मुझे अब महसूस हो रहा है कि आपने एक झूठ को सच साबित करने के लिए मुझे यूज किया। मुझे पहले से ही शक था आप पर मुझे लगा कि आपकी कोई वजह रही होगी, पर अब मैं सब समझ गया हूं। कम ऑन अब है, डू यू इवन रियलाइज कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं मिस्टर तारापुर वाले को पहले से जानता हूं और ये पैसे उन्होंने मुझे अपने कॉलेज में स्पीच देने के लिए दिए थे। सर तो उस एसी का क्या,
सर हमारा एसी कल रात से बंद है और आज सुबह आपने उसे पहली बार चालू किया, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कल रात को उससे आवाज आई हो? हो सकता है किसने स्विच ऑन कर दिया हो। तो अच्छा मुझे ये बताइए, आपने चंदू के बारे में कब पता लगाया? As I told you अभय कि मैं आज सुबह ही वॉक पे गया था, वहां लोगों से मैंने उसके बारे में पूछताछ की। आप कितने बजे निकले थे यहां से? मैं करीब 7 बजे निकला था और 7:45 बजे होटल में वापस लौटा था, और जब मैं गया था तब तुम सोए हुए थे। झूठ, आप ज्यादा दूर नहीं गए थे, आप 7:30 से 7:45 बजे तक गायब थे और 7:30 से पहले तक आप होटल रूम में ही थे। ये मुमकिन ही नहीं है कि आपने इतने कम टाइम में चंदू का पता लगाया। अभय तुम उस वक्त जरूर नींद में रहे होगे, तुमने मेरे जाने का समय नोट नहीं किया होगा। सर मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने 7:20 का अलार्म लगाया हुआ था और 7:30 तक तो मैं जगा ही हुआ था, लेकिन 10 मिनट के लिए मेरी आंख लगी और फिर मैं 7:40 पर जगा, लेकिन आप उस वक्त रूम में नहीं थे, लेकिन कुछ मिनटों बाद आप वापस रूम में आए। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है अभय। सर मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। अच्छा आप तो मुझे उन व्हाट्सएप वीडियोस के बारे में बताइए ना, वो आपको कब और कैसे मिले? पूछताछ के दौरान मुझे कुछ लोगों ने वो वीडियोस फॉरवर्ड किए थे और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि चंदू ने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और उन्हें फॉरवर्ड भी किया था। फिर गलत सर, वो व्हाट्सएप वीडियोस आपको कल रात को 1 बजे भेजे गए, ये मैंने कल रात को ही देख लिए थे आपके व्हाट्सएप पे। गुड ऑब्जर्वेशन अभय, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वीडियोस चंदू ने मुझे कल रात को ही भेजे थे। हाँ ये मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस केस को लेकर तुम्हारे मन में कंफर्मेशन बायस हुआ है। इसका मतलब कि तुमने अपने मन में किसी एक बात को सच मान लिया है और मैं तुमसे जो भी कहूंगा झूठ ही लगेगा। नहीं सर, आपके धोखे को पकड़ने के लिए मैंने आपसे ये सारे सवाल पूछे थे। अगर आपने गौर किया हो तो ये सारे सवाल मैंने आपसे उल्टे क्रम में पूछे थे। सबसे पहले वो तारापुर वाला, उसके बाद फिर एसी, और आखिर में मैंने चंदू के बारे में आपसे पूछा था, जिससे आप बौखला गए और सारे उल्टे जवाब दिए। ये तरीका सर आपने मुझे सिखाया है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने इतने कम समय में मुझसे इतना कुछ सीख लिया। आई प्लीड गिल्टी माय लॉर्ड, बट आई रियली अप्रिशिएट यू अभय। चलो गाड़ी में चलते हैं, आ जाओ। If you don't mind, sir, पर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे इसके लिए अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और मुझे अपने रिसर्च के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। पता नहीं क्यों सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ मुझे कुछ और भी पता चला था। उस रात जब तुम 2 और 3 के बीच सो रहे थे तो कुछ आवाजें सुनकर मैं उठ गया था और मैंने टेबल पर तुम्हारा कैमरा देखा, उसमें कुछ तस्वीरें देखी। इससे मुझे सुराग मिला कि उस रात को क्या हुआ होगा जब वो मर्डर हुआ था। क्या मतलब सर? एक फोटो जो तुमने खींची थी वो कार्पेट का टॉप व्यू था, शायद ये वही जगह रही होगी जहां लाश पड़ी मिली। जब मैंने फोटो को जूम किया तो वहां एक पेंडेंट दिखा जो शायद उस लड़की का था और उस पर नाम लिखा हुआ था संचित। तो इससे आपको क्या पता चला? कल रात को मैंने चंदू को कुछ वीडियोस फॉरवर्ड करने के लिए कहा था जो उसने पहले रिकॉर्ड किया था। गलती से उसने मुझे एक दो तस्वीर ऐसी भेज दी जिसमें वो किसी लड़के के साथ चाय पी रहा है। उस लड़के का चेहरा तो साफ से नहीं दिखा, लेकिन उसने जो पेंडेंट पहना हुआ था वो बिल्कुल पहले वाले जैसा ही था और इस पेंडेंट पे लिखा था प्रियंवदा। संचित और प्रियंवदा, ये दो नाम उसी कपल का है जिसके बारे में खुद हमें चंदू ने बताया था, और उस तस्वीर से जाहिर है कि संचित को वो पहले से जानता था। तभी मुझे शक हुआ कि चंदू जरूर इस मर्डर का हिस्सा रहा होगा।
क्या सर हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं? उस दिन जब चंदू उस मर्डर के बारे में बता रहा था, मुझे तभी शक हुआ था, क्योंकि उसने कहा था कि चारों तरफ खून फैल रहा था, बॉडी ठंडी पड़ गई थी और नीली पड़ गई थी। ऐसा तब होता है जब शरीर और दिमाग ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल कर रहे हों, और ऐसा वो तभी देख सकता है जब या तो वो मर्डर होते हुए देख रहा हो या खुद उसने मर्डर किया हो। और गिल्ट वाली फीलिंग के कारण उसे भूत नजर आ रहे हो। सर मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए, और हमारे पास जो भी सबूत है वो हम पुलिस को दे देते हैं। मैं मिस्टर तारापुर वाले से बात करूंगा, एंड आई एम श्योर वो इस पर गौर करेंगे। मैं खुश हूं कि हम यहाँ पे आए, और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। हाँ भाई, मैं भी ऐसी उम्मीद रखूंगा, और आज के बाद पैसों के लिए ऐसे लफड़ों में नहीं पड़ने वाला। Let's do one thing. Let's move out. Come. Beautiful. Sit. वैसे एक बात तो है, जहां तक चंदू का सवाल है, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे जरूर कोई गंभीर वजह रही होगी। तो आपको लगता है कि जो लोगों ने चंदू का मजाक उड़ाया है उसी का गुस्सा शायद उस पे हावी हो गया हो, और उसी के चलते उसने खून किया हो? क्वाइट पॉसिबल। और अगर ऐसा हुआ होगा तो कुछ प्रॉब्लम तो हम जैसे नॉर्मल लोगों की भी है, क्योंकि हम उन्हें जज करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, लिटरली उनका दिल दुखाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर अभय, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही सच के भी दो सिद्धांत होते हैं। Thank you.
Thank you.